الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Student, this is your English workbook. आज हम English workbook में काम करेंगे Today is your English class. Okay? But first of all, we recite dua for increasing our knowledge. So raise your hands for dua. بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما Now open page number 33. पेज नंबर 33 ओपन करना है आपने ठीक है एंड आज की डेट और आज का डे मेंशन करना है 27 जनवरी 2021 एंड द डे इज़ वेडनेसडे लेकिन वर्कबुक में काम करने से पहले आपने यस्टरडे प्रीवियस वीडियोस देखनी है पेज नंबर 37 एंड पेज नंबर 38 पे प्रपोजिशन जो टीचर ने पढ़ाए थे उसको पढ़ना है उसकी रीडिंग करनी है देन आपने ये वाला काम करना है ओके कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशंस आप लोगों ने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है किसके जरिए करेक्ट प्रीपोजिशन को यूज करते हुए नंबर वन इज गर्ल इज डैश द अम्ब्रेला गर्ल इज डैश द अम्ब्रेला गर्ल जो है लड़की जो है वो अम्ब्रेला के कहाँ पर है जल्दी से मुझे देखकर बताइए गर्ल जो है वो अम्ब्रेला के नीचे है और जब कोई चीज़ नीचे होती है तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं अंडर टीचर ने कौन सा प्रपोजिशन लिखा अंडर गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला वेरी गुड मिल्क इज डैश द जग मिल्क इज डैश द जग मिल्क जो है यानी कि दूध जो है वो जग के कहाँ है अंदर है दूध तो ऊपर तो नहीं हो सकता ना अंदर हो सकता है तो मिल्क इज इन द जग जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं इन बॉल इज डैश द चेयर बॉल इज डैश द चेयर बॉल जो है वो चेयर के कहाँ है ऊपर जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं ऑन बॉल इज ऑन द चेयर देन यू हैव टू डू डिक्टेशन वर्ड उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्टेशन वर्ड करने हैं कितनी दफ़ा थ्री टाइम्स वन टू थ्री ठीक है और कौन सा डिक्टेशन वर्ड करना है टीचर ने आपको एस टी साउंड्स पढ़ाए थे याद है आप लोगों ने वो वाले डिक्टेशन वर्ड करना है S T O P stop S T O P stop S T O P stop stop वाले डिक्टेशन वर्ड आपने थ्री टाइम्स यहाँ पे लिखना है ठीक है पेज नंबर 33 का बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़